थैंक यू सो मच। हमारे चैनल में तो क्या कहना चाहेंगे, अभी क्या चल रहा है आपकी लाइफ में? अभी तो बस लाइफ तो चल ही रही है, बाकी मूवीज का वर्क चल रहा है। सो अभी जो रिसेंटली आपको फिल्म मिली है जी, प्यार एक तरफा, इट इज या क्या है उसमें बेसिकली? बेसिकली इट इज अ हॉरर स्टोरी, तो मतलब मेरा मर्डर मिस्ट्री है। सो अभी पूरी स्टोरी बता दूंगी तो फिर कोई मतलब नहीं बनता। काफी नामचीन सेलिब्रिटी है इसके अंदर जी, तो कितनी तैयारी की है आपने उनके साथ में? मैंने अब तक मेरी साइड से तो कोई तैयारी नहीं है। मैं डायरेक्टर बोल रहे हैं कि मुझे बहुत ट्रस्ट है आपके ऊपर, तो जेपी मिश्रा इस मूवी को कर रहे हैं तो अच्छा ही जाएगा होप सो। और भी आपने दो फिल्म साइन की है, जीरो फिगर, जीरो फिगर को लेके कितनी तैयारी? जीरो फिगर के लिए बहुत तैयारी है और उसको लेके बहुत ही ज़्यादा मतलब न्यूज़ आ रही है, इंटरव्यूज़ आ रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा चर्चाओं में, बिकॉज उसमें मैं लीड प्ले कर रही हूँ और उसमें काफ़ी नॉन एक्टर भी हैं, मैं और एक्टर फ्रेशर हैं, हम दोनों फ्रेशर्स हैं, बट बाकी जो एक्टर्स हैं वो मुझे एक्चुअली नाम याद नहीं है उनके, तो वो काफ़ी नॉन हैं उसमें, मैं ही एंड उसमें मैं डबल रोल प्ले कर रही हूँ सबसे पहली बात, मतलब उस जैसे अलोन में भी पाशा ने किया था तो उसी तरीके से है वो। जीरो फिगर, क्या ये टाइटल कहाँ से मिला? टाइटल तो राइटर ने बोला कि जीरो फिगर मींस ये नहीं है कि लड़की का फिगर ही जीरो हो, जीरो इट्स काइंड ऑफ स्टोरी है कि जो ये जो स्टोरी है ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा मैसेज बनने वाली है मेरे हिसाब से, एंड मतलब कुछ लोग हैं ऐसे जिनको हम लोग इंडिया में अपने उनको तमीज़ से बात नहीं करते, जिनके साथ अच्छा बिहेव नहीं करते, तो ये उन्हीं के लिए है स्टोरी, और इसके बाद मे बी हम लोग उन लोगों को इज्जत देंगे ये मूवी देखने के बाद। आप और वैसे भी काफ़ी चर्चाओं में रहती हैं अपने फिगर को लेके, अपनी बोल्डनेस को लेके, ग्लैमर लुक को लेके, तो क्या इसका क्या राज है, कितनी जिम करती हैं? जिम विम का तो कुछ नहीं है, सब ऐसे ही चल रहा है नॉर्मली है, और बोल्डनेस का तो कुछ नहीं, इंडस्ट्री में आए तो कुछ तो ऐसा होना चाहिए ना कि जिससे न्यूज़ में रहें, चर्चाओं में रहें। तो क्या कहना चाहेंगे? तो बस यही कहना चाहूँगी, मैं रिलेशनशिप में नहीं हूँ, मैं सिर्फ जस्ट आई लाइक समवन बट आई एम नॉट इन अ रिलेशनशिप, तो सिर्फ काम पर ही ध्यान दें और ये रिलेशनशिप और प्यार व्यार के मैटर में ना पड़े, क्योंकि इससे लाइफ ख़राब होती है, काम से ध्यान हटता है, तो जो मुंबई करने आए वही करें।